नमस्कार दोस्तों, नेपाल पहले अफ्रीका में था। आप भी कहोगे क्या बकवास कर रहे हो। नेपाल वो भी अफ्रीका में, क्या बकवास है बे? अरे बकवास नहीं है रे केकड़ू, चुप करके केकड़ू जा यहाँ से, मेरे को वीडियो शूट करने दे। जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये बात सच है कि नेपाल पहले अफ्रीका में हुआ करता था और इसके साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो आखिर ये कब की बात है कि नेपाल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था ना कि एशिया में? तो आखिरकार इतना खूबसूरत नेपाल बना कैसे? साथ ही जानेंगे कि नेपाल और कई सारे हिस्से कैसे अफ्रीकन रीजन से एशियन रीजन में आए और कैसे बनी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट। और आप लोग शायद ये भी सुनकर शौक हो जाओ कि जो पोल्स पर बर्फ है वो आज नेपाल में बने हुए माउंट एवरेस्ट की ही देन है। इन प्लेट के टकराने की वजह से पूरी धरती पर असर पड़े। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों नेपाल में आते हैं इतने सारे भूकंप। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ आपके लिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब एक चैनल पे कमेंट भी लिख दीजिए, ब्यूटीफुल नेपाल। मैं 2 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग कमेंट जरूर लिखिए। तो अब चलते हैं वीडियो पर आगे। दोस्तों कहा जाता है कि नेपाल का सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट बना है प्लेटों के टकराने की वजह से, वो भी आज नहीं 50 मिलियन साल पहले। और उसी दौरान बनी नेपाल में सुंदर सुंदर ये पहाड़ी वादियाँ और ये इतना सुंदर नेपाल। और इसीलिए कई धर्मों में इन पहाड़ियों को काफी पवित्र माना गया है, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और कई सारे धर्मों में। लेकिन कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता हो कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कैसे बनी। दोस्तों हमारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है हमारी धरती के ऊपर। और उनका मानना है कि हमारी धरती पर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिन पर कॉन्टिनेंट हैं। और इन साइंटिस्ट ने बताया कि ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। आप भी कहोगे क्या ये रियल है, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों इसका राज छिपा है हमारी धरती में। दोस्तों हमारी धरती के नीचे बहुत गर्मी है और बहुत सारा लावा है, और जब भी धरती के काफी नीचे एनर्जी बिल्डअप होती है तो वो मूवमेंट क्रिएट करती है लावा का। इसके मूवमेंट के कारण जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर के जो कॉन्टिनेंट है वो सब मूव करते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। दोस्तों टेक्टोनिक मूवमेंट आज से 3.5 बिलियन साल पहले हुआ है, जब हमारी धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो गई थी और वो स्ट्रांग हो गई थी। चलिए जानते हैं कैसे और क्यों नेपाल अफ्रीकन रीजन से एशियन रीजन में पहुंचा। तो चलो चलते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से आज से 550 मिलियन साल पहले। तो आज से 550 मिलियन साल पहले धरती पर कुछ ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, और उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हुआ करते थे। और तब नेपाल भी उसी का हिस्सा था। फिर तब से कुछ मिलियन सालों बाद यानी कि आज से करीबन 350 मिलियन साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना धीरे धीरे खिसकता है और जाके टकराता है यूरो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, और उसके बाद एक उससे भी बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट पूरा बन जाता है जिसे कहा जाता है पैंजिया। और उसके कुछ मिलियन सालों बाद गोंडवाना कॉन्टिनेंट वो भी टूटने लगता है धीरे धीरे। अब गोंडवाना से टूटा हुआ एक बड़ा सा टुकड़ा धीरे धीरे मूव करने लगता है अपने से नॉर्थ की तरफ, यानी कि अपने से ऊपर जाने लगता है। और इसी पार्ट में इंडिया, नेपाल, ये सारी ही कंट्रीज जुड़ी होती हैं। और ये मूव करते करते हमारी धरती के एक ऐसे हॉटस्पॉट रीजन से होके जाता है जहाँ पर इस प्लेट की यानी कि इस बड़े से लैंड की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि ये और तेजी से खिसकने लगता है अपने ऊपर साइड को। ये ऐसे ही मूव करती है जैसे कि एक जमी हुई बर्फ का टुकड़ा मूव करता है पानी के ऊपर, वैसे ही ये लैंड का टुकड़ा मूव करता है लावा के ऊपर। दोस्तों हमारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट है ये सब मूव करते रहते हैं, और इन कॉन्टिनेंट के मूवमेंट की स्पीड होती है करीबन 5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी करीबन इतनी सी डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं एक साल में। पर ये जो विशाल प्लेट जो कि अफ्रीका से आई थी, जिसमें नेपाल, इंडिया और कई और कंट्रीज के रीजन थे, ये काफी ज्यादा तेजी से मूव करके आई उस हॉटस्पॉट रीजन की वजह से। इसकी स्पीड थी करीबन 20 सेंटीमीटर पर ईयर, जिसके चलते ये मूव किया 9000 किलोमीटर 70 मिलियन सालों में, यानी ये करीबन 3 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है जो कि एशियन रीजन में है, जिसकी वजह से ही बना विशाल सागर माथा यानी कि विशाल माउंट एवरेस्ट। और जो टिबेटन रीजन में आपको जो पहाड़ दिखते हैं सारे हिमालयन रीजन में जो पहाड़ दिखते हैं, ये सारे ही बने हैं इस प्लेट्स के जोर से आके टकराने से जो कि यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गई। और जब ये अफ्रीका से आने वाली प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के बीच में टकराव हुआ, उसके बाद जैसे पूरी धरती में ही बदलाव आना शुरू हुए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी विविधता भी नेपाल और इस रीजन में आई। इससे कई सारी वनस्पतियों और जानवरों का एक तरह से मिलन हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट लैंड एक साथ मिल गए थे।
इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुए, क्लाइमेट चेंज हुए, साथ ही साथ बायोलॉजिकल चेंज भी बहुत सारे हुए। इन प्लेट के टकराने की वजह से पूरी धरती पर असर पड़े और इसका रीजन था नेपाल में सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी वजह से मॉनसून साइकिल में पूरी तरीके से बदलाव आ गया, क्योंकि विशाल ऊंचे पहाड़ ह्यूमिड एयर को यानी कि क्लाउड्स को रोकते थे जो कि ज्यादा बारिश करते थे इस रीजन में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था और नेपाल ऐसे ही बना एक सुंदर सा देश। और आपको बता दें कि हिमालयन का पानी दुनिया का 1/5 पानी है जो ये कई विशाल नदियां लेकर आती हैं। और आप शायद ये भी सुनकर शॉक हो जाओ कि जो पोल्स पर बर्फ है वो इस टकराव की वजह से ही है। दोस्तों इससे पहले हमारी धरती ज्यादा गर्म हुआ करती थी यानी कि ज्यादा वार्म हुआ करती थी, इस कोलिजन की वजह से विशाल माउंट एवरेस्ट तैयार हुआ जिसकी वजह से सिलिकेट्स जो कि हिमालयन रीजन में हुआ करते थे वो फैल गए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ हमारी धरती का, और इसी की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बर्फ हमको देखने को मिलती है। यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ है वो आज नेपाल में बने हुए माउंट एवरेस्ट की ही देन है। अगर ये कोलिजन नहीं होता तो ये सारी ही चीजें नहीं होती, और ये सारा ही कोलिजन का प्रोसेस कई करोड़ों साल पहले का है। लेकिन आखिर ये सब साबित कैसे हुआ कि ये सारी चीजें और ये सारा मूवमेंट सच में हुआ है? सो हमारे जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिकों को नेपाल में कई ऐसी सारी चीजें मिली जो कि दुनिया से खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि हार्ड शेल ट्रेवलॉइड, वियर्ड लिस्टीरियस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये सभी जो एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर थे वो फॉसिल्स मिले वो पाए जाते थे गोंडवाना के उस विशाल कॉन्टिनेंट के रीजन पर, और वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट पर नहीं पाए जाते थे। ये सभी फॉसिल्स मिलते हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि सारे ही रीजन गोंडवाना से टूटे हुए टुकड़े थे जो कई हजारों सालों में इधर उधर मूव किए, और साइंटिस्ट की यही रिसर्च साबित करती है कि ये रीजन कभी ना कभी कनेक्ट हुआ करते थे अफ्रीकन रीजन से, यानी कि नेपाल हुआ करता था पहले अफ्रीका में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सिर्फ ये डेड चीज ही नहीं प्रूव करती कि नेपाल कभी अफ्रीकन रीजन में हुआ करता था, क्योंकि इस लैंड पर जो कई सारी जानवरों की स्पीसीज है वो अफ्रीका के जानवरों की स्पीसीज से मैच खाती हैं, और ये पीरियड काफी ज्यादा एवोल्यूशन का रहा इस जगह के लिए, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाले जानवर इक्वेटर से ऊपर आ चुके थे तो उनको अपने आप में चेंजेस करने थे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, और उसकी वजह से इन जानवरों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले, और उसी को कहा जाता है कि जानवर इवॉल्व किए यानी कि उनमें एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इन बदलते हुए क्लाइमेट के साथ उन जानवरों को भी बदलना पड़ा। अब इसी बदलाव के कारण वेल्स भी बनी। अब आप लोग कहोगे ये भी बकवास है, पर ये सच है। तो जब ये हिस्सा यूरेशियन प्लेट के पास था तब एक एवोल्यूशन देखने को मिला, एक छोटा डियर जैसा एनिमल जो कि लैंड पर रहता था वो इवॉल्व किया और वही बना वेल, साथ ही साथ पूरी जमीन भी बदल के रह गई, और आज भी ये प्लेट स्लोली मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, और इसकी वजह से काफी फ्रिक्शन होता है जमीन में, जिसकी वजह से ही नेपाल में जो धरती है वो काफी ज्यादा अस्थिर होती रहती है और काफी ज्यादा हमको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। हाल के कुछ महीनों में करीबन 4-5 बार हमको भूकंप देखने को मिल चुके हैं। तो ये हमारी धरती का एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से हमारी धरती में बहुत सारे बदलाव हुए, और इसी की वजह से अफ्रीका से ये रीजन नेपाल का यहाँ तक आया। शायद आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, थोड़ी नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा ग्रेट माउंट एवरेस्ट या फिर ग्रेट सागर माथा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक से वो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुँचती रहे। धन्यवाद NI News।